दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं जूनियर महमूद जी के घर के पास। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है दारा हाउस। आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। इनके जो घर का नाम है दोस्तों वो है दारा हाउस। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल शमीम व्लॉग वीडियोज में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ 60-70 के दशक के सुपर स्टार कहे जाने वाले जूनियर महमूद का घर। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने बॉलीवुड की बहुत सारी सुपर हिट फिल्मों में काम किया है। दोस्तों अगर मैं उनकी मूवीज़ के नाम बताऊं तो उनकी मूवीज़ के नाम है अदला बदली, बॉम्बे टू गोवा और दो बच्चे 10 हाथ और कुंवारा बाप। इसी तरह की बहुत सारी सुपर हिट फिल्मों में वो काम कर चुके हैं। अपनी लाइफ में उन्होंने लगभग 60 से 65 से ज़्यादा फिल्मों में वो काम कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों अभी हाल फिलहाल में उनका इंतकाल हो गया है, इस दुनिया को अलविदा कहकर वो जा चुके हैं। दोस्तों 8 दिसंबर 2023 को वो इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए हैं। लेकिन दोस्तों उनका घर कहाँ पर है और उनकी बायोग्राफी कार कलेक्शन आज की वीडियो में सब बताऊंगा। दोस्तों उनका जो रियल नेम है वो महमूद नहीं है, उनका जो रियल नेम है वो है नईम सैयद। लेकिन दोस्तों आप तो उनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, उनके कुछ जो गाने हैं वो भी बहुत फेमस है, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले, ऐसी तरह के बहुत सारे सुपरहिट गाने उन्होंने दिए हैं। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में उनका घर, उनकी बायोग्राफी कार कलेक्शन आज की वीडियो में सब बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट और लेकर चलते हैं आपको जूनियर महमूद के घर के पास। दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं जूनियर महमूद जी के घर के पास। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है दारा हाउस। आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। इनके जो घर का नाम है दोस्तों वो है दारा हाउस और यहाँ पर उनके बचपन के और बड़े उनकी एज के फ़ोटो यहाँ पर लगाए गए हैं। उनके जो बचपन के जो फ़ोटो थे वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं। और अभी वो आप सबको पता ही है, अभी वो हमारे बीच नहीं रहे, इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं। और आज यानी कि 17 तारीख आज 17 दिसंबर संडे के दिन 2 से 3 बजे तक उनके घर पर कुरान खानी का इंतज़ाम किया गया है। और आप जैसा कि देख सकते हो इनका जो और रियल नेम था वो था नईम भाई उर्फ जूनियर महमूद भाई के घर पर 17 दिसंबर संडे 2 से 3 बजे तक कुरान खानी। और इनके घर का एड्रेस भी यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि मैं आपको अभी अच्छे से दिखाने वाला हूँ। दोस्तों आप ये जो गेट देख रहे हो ये इनके घर बिल्डिंग का मेन एंट्री गेट है और दूसरा गेट आपको उधर की साइड से देखने के लिए मिल जाएगा। ये जो आप गेट देख रहे हो ना, ये आप गेट मैच कर सकते हो। अभी 8 दिसंबर में जब इनकी डेथ हुई थी तो यहाँ पर बहुत सारे बॉलीवुड सितारे यहाँ पर उनको उनकी इंतकाल में मतलब उनकी मैयत में यहाँ पर शामिल होने के लिए आए थे। तो आप इस गेट को मैच कर सकते हो। यहाँ पर जॉनी लेवर साहब महमूद साहब के जो बड़े बेटे हैं उनको यहाँ पर तसल्ली दे रहे थे कि आप चिंता ना करो हम आपके साथ हैं, ऐसा कुछ तसल्ली दे रहे थे। और भी बहुत सारे सेलिब्रिटी यहाँ पर आए थे। आप इस स्क्रीनशॉट से मैच कर सकते हो, मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ तो आप मैच कर सकते हो। तो इसी बिल्डिंग में रहते थे हमारे बॉलीवुड के मशहूर एक्टर जूनियर महमूद। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारे सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। दोस्तों 60-70 के दशक में ऐसी कोई मूवी नहीं रही होगी जो कि जूनियर महमूद साहब के बिना बनी होगी। दोस्तों हर मूवी में उनको लिया जाता था और 60-70 के दशक में ये एक ऐसे स्टार थे जिनके पास सिर्फ इनके पास जो सबसे महंगी कार मर्सिडीज मानी जाती थी वो सिर्फ इनके पास थी। और ये सेट पर जब शूटिंग के लिए जाते थे तो अपनी कार मर्सिडीज से जाया करते थे दोस्तों। और दोस्तों आपको मैं इनकी बायोग्राफी कार कलेक्शन सब कुछ आज की वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जूनियर महमूद नाम नईम सैयद और इनका जन्म हुआ 1956 में, लेकिन जब ये फिल्मी पर्दे पर आए तो ये बन गए जूनियर महमूद। और इस जूनियर महमूद ने अपने करियर में 260 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। और ये फिल्मों में कैसे आए और जूनियर महमूद कैसे बने, आज ये सब हम आपको अपनी बायोग्राफी में बताएंगे। ये जब 9 साल के थे तभी मुंबई आ गए थे। इनका परिवार मुंबई के एंटोप हिल के इलाके में रहता था। इनके पिता रेलवे में इंजन ड्राइवर थे और ये रेलवे क्वार्टर्स में रहा करते थे। और ये 6 भाई बहन थे, 2 बहन और 4 भाई। स्कूल में पढ़ाई की जगह नईम एक्टर्स की नकल करते थे और इनकी एक्टिंग किया करते थे। स्कूल फंक्शन में भी अपने शोज वो खुद करते थे और इनके बड़े भाई फिल्मों में फोटोग्राफी करते थे। तो इनका दिल हुआ कि मैं भी शूटिंग देखने जाऊं। ये एक दिन की शूटिंग देखने गए भी और ये फिल्म थी कितना नाजुक है दिल, जहां
टीचर का रोल अदा कर रहे थे मशहूर एक्टर जॉनी वॉकर। वहीं पर एक चाइल्ड आर्टिस्ट अपने डायलॉग बार बार भूल रहा था, और जब एक बार और आर्टिस्ट अपना डायलॉग भूल गया तो जूनियर महमूद से रहा नहीं गया और बाद में कह ही दिया कि एक लाइन नहीं याद रख सकते, कहां से आ गए हो एक्टिंग करने के लिए। और जैसे ही डायरेक्टर ने मुड़कर देखा तो इनसे कहा कि क्या तुम यही डायलॉग बोल सकते हो, तो उन्होंने कहा एक ही बार में सारे डायलॉग सुना दिए और इस तरह वो शूटिंग कंप्लीट हुई। हालांकि वो फिल्म पर्दे पर नहीं आई, लेकिन इससे नईम सैयद की बॉलीवुड में एंट्री हो गई। अब बात ये करते हैं कि ये नईम सैयद से जूनियर महमूद कैसे बन गए। सुहाग रात फिल्म की शूटिंग चल रही थी जिसमें राजश्री, जितेंद्र और महमूद काम कर रहे थे। उसी में उनके साथ जूनियर आर्टिस्ट थे नईम सैयद। महमूद साहब की बेटी गिन्नी का जन्मदिन था। शूटिंग में मौजूद सभी लोगों को पार्टी में बुलाया गया, लेकिन नईम को नहीं बुलाया गया। और तब नईम जी ने कहा कि मेरा बाप कोई बड़ा प्रोड्यूसर नहीं है, इसलिए आपने मुझे पार्टी में भी नहीं बुलाया है। अगर आप मुझे अपनी पार्टी में बुलाते हैं तो मैं आपकी पार्टी में 4 चांद लगा दूंगा। और कहा कि आपके मूवी गुमनाम को जो मशहूर गाना है हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले है, उस गाने पर नाचूंगा भी। और जूनियर महमूद जी ने उन्हें ऐसा डांस दिखाया कि महमूद साहब उनसे इतने इम्प्रेस हो गए और नईम के पिता से कहा आज से ये मेरा चेला है और इसका नाम आज से मैं रखता हूँ जूनियर महमूद। और इसके बाद तो इन्हें शोहरत, नाम, हर चीज़ मिलने लगी और लगातार इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में भी काम किया, जैसे कि ब्रह्मचारी, दो रास्ते, आओ मिलो सजना, कटी पतंग, हाथी मेरे साथी। इसी तरह की बहुत सारी सुपरहिट फिल्मों में 12 साल की उम्र तक ये चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में बहुत ही मशहूर हुए। लेकिन जैसे कि दूसरे चाइल्ड आर्टिस्ट के साथ होता है, इनके साथ भी वैसा ही हुआ। जैसे ही ये 17-18 साल के होने लगे तो इनका स्टारडम कम होने लगा और धीरे धीरे ये सिनेमा के माहौल से दूर हो गए। लेकिन स्टेज पर ये जूनियर महमूद म्यूजिकल नाइट से काम करते रहे। इनकी शादी हुई नईमा सैयद से और इनके दो बेटे हैं, हसन रफ़ी सैयद और हसनैन सैयद। और फिर गुजराती फिल्मों में ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर काम करते रहे। और उन्होंने ये बात भी कही कि छोटे किरदार निभाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बस वो रोल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और जूनियर महमूद जी ने 260 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया है और 7 अलग अलग भाषा में फिल्मों में काम किया है। और इन्होंने महमूद जी का नाम गर्व से रोशन किया। इनकी डायलॉग टाइमिंग इतनी अच्छी थी कि हर चाइल्ड आर्टिस्ट से इन्हें बेहतर बनाती है। यकीनन इनके जैसा न कोई एक्टर आया है और ना ही आएगा। जूनियर महमूद जी का नाम हमेशा बॉलीवुड इंडस्ट्री में गर्व से लिया जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाया है जूनियर महमूद साहब का घर। जी हाँ दोस्तों, जो आप मेरे बैकग्राउंड में जो 8 फ्लोर की बहुत ही खूबसूरत सी बिल्डिंग देख रहे हो ना दोस्तों, इसी बिल्डिंग में रहा करते थे हमारे जूनियर महमूद साहब, जिन्होंने बॉलीवुड में बहुत सारी सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। जैसे कि आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है उनकी बायोग्राफी, कार कलेक्शन। और आज की वीडियो में मैं आपको बता दूँ, अभी वो महमूद जूनियर महमूद साहब जो है वो हमारे बीच नहीं रहे, 8 दिसंबर को इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं। जैसे कि आप इनके घर के पास जो है उनका बैनर भी लगा हुआ देख सकते हो, उस पर लिखा हुआ है आज 10 दिन के बाद उनकी कुरान खानी रखी गई है 2 बजे से 3 बजे तक। तो दोस्तों, बड़ी ही अफसोस की बात है कि हमने एक बॉलीवुड स्टार को खो दिया है, जिन्होंने हमें बहुत सारे कॉमेडी सीन और कॉमेडी से हंसाया भी है और बहुत ही इमोशनल सीन से हमें रुलाया भी है। तो दोस्तों, चलो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। और जैसा कि आज की वीडियो में मैंने आपको महमूद साहब का घर, उनकी बायोग्राफी, कार कलेक्शन सब कुछ बताया है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो, नई लोकेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। ओके, टाटा, बाय बाय।